फ्रेंड नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं व्हीजिंग साउंड्स के बारे में। व्हीजिंग साउंड्स जो होते हैं वो किन बीमारियों में आपको सुनने को सबसे ज़्यादा मिलेंगे। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि व्हीजिंग साउंड्स है क्या, व्हीजिंग साउंड्स से कब प्रोड्यूस होता है और व्हीजिंग साउंड्स कैसे हम पता लगाएंगे कि व्हीजिंग साउंड्स प्रोड्यूस हो रहा है। सबसे पहले बात कर लेते हैं व्हीजिंग साउंड्स के जनरली। देखिए, ये मेरे पास पाइप है एक जर आपको कोशिश करता हूँ समझाने की, शायद आपको समझ में आ जाएगा। ये मेरे पास एक पाइप है, हम मान लेते हैं कि ये हमारा एयर वे है, यानी कि जो हम सांस ले रहे हैं वो आपकी नली है। ठीक है, हम मान लेते हैं कि ये वाली हमारी नली है, हम इस नली से सांस को अंदर ले रहे हैं और सांस को छोड़ रहे हैं। अब मान लीजिए अगर इसके अंदर कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, देखिए जनरली मान लीजिए ये है, इसके अंदर अगर इस तरह से कहीं ना कहीं बीच में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, इस तरीके से अगर कहीं इसमें ऑब्स्ट्रक्शन दबाव पड़ता है या इसकी जो स्पेस है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर जो साउंड प्रोड्यूस होगी वो व्हीजिंग साउंड्स प्रोड्यूस होगी। यानी कि जो व्हीजिंग साउंड्स जब प्रोड्यूस होती है लंग्स ऑक्सल्टेशन के टाइम पर, तो आपको याद रखना है कि ये एयर वे ऑब्स्ट्रक्शन की कोई परेशानी है, एयर वे की प्रॉब्लम है, न कि लंग्स के पैरेन्काइमा और इधर उधर के प्रॉब्लम्स हैं। आपको याद रखना है, जब भी आपको व्हीजिंग साउंड सुनाई देती है ऑस्कल्टेशन में, तो आपको याद रखना है कि ये केवल एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन की प्रॉब्लम है, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन को भी छोड़ करके एयरवे की प्रॉब्लम है। एयरवे यानी कि जो हम सांस ले रहे हैं, जो छोड़ रहा है पेशेंट, उसको या तो सांस लेने में परेशानी है या छोड़ने में परेशानी है। ओके, यानी कि जो इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन कर रहा है पेशेंट, उसको दोनों में प्रॉब्लम हो सकती है, इंस्पायरेशन ड्यूरिंग इंस्पायरेशन और ड्यूरिंग एक्सपायरेशन। ठीक है, तो आपको याद ये रखना है कि जो अगर व्हीजिंग साउंड्स आपको सुनाई दे रही है तो एयर वे की प्रॉब्लम है। अब एयर वे की कौन सी बीमारियाँ होती हैं, जैसे अस्थमा हुआ, COPD हुआ। ठीक है, यानी कि जो एयर वे हमारा वहाँ पर कॉन्ट्रेक्शन हो रहा है, यानी कि वो बिल्कुल वहाँ पर या तो किसी ट्यूमर की वजह से दबाव पड़ रहा है, हो सकता है एक ट्यूमर हो या फाइब्रोसिस की वजह से एयर वे पर थोड़ा बहुत प्रेशर पड़ रहा हो, दबाव पड़ रहा हो, जिसकी वजह से एयर वे जो हमारा है वो कम हो जाए, स्पेस जो उसके अंदर है वो कम हो जाए, उसकी वजह से जो साउंड प्रोड्यूस होगा वो व्हीजिंग साउंड प्रोड्यूस होगा। आई थिंक फ्रेंड्स वीडियो हेल्पफुल होगा। फिर मिलेंगे नई वीडियो में इसी तरह की किसी जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।